चीन को सुनने दो। सिक्किम में मेड इन इंडिया कोविड का परीक्षण करने के लिए भारतीय सेना। भारतीय सेना DRDO द्वारा तैयार की गई 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की जांच के लिए तैयार है, जिसमें सिक्किम में तोपखाना बंदूक प्रणाली ATAGS विकसित की गई है। यह स्वदेशी निर्मित होइट्ज़र का पहला उच्चतम परीक्षण होगा। बंदूक को DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ARDE ने ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB कल्याणी ग्रुप और टाटा पावर के साथ साझेदारी में विकसित किया है। सेना की उम्र बढ़ने की ताकतों को बदलने के लिए तैयार किया गया। सभी फील्ड परीक्षण समाप्त हो जाने पर ATAGS को शामिल किया जाएगा। सितंबर 2017 में ATAGS ने राजस्थान में सफल रेगिस्तान परीक्षण पूरा किया। बंदूक अपेक्षाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती है। अनुमानित 40 किलोमीटर की बजाय लक्ष्य को लगभग 48 किलोमीटर दूर मारता है। उच्च ऊंचाई परीक्षण बंदूक के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी प्रभावशीलता को निर्धारित करेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत चीन सीमा के पूरे खंड पहाड़ी हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा है। कारगिल युद्ध के दौरान विशेष रूप से समझी जाने वाली उपयोगिता और बेहतर चीखाने वाले की जरूरत थी, जिसमें बंदूकें भारतीय सैनिकों की ऊंचाइयों पर कब्जा करने में सहायता करके उनकी प्रभावशीलता साबित हुई थी। यही कारण है कि भारत बंदूकें विकसित करने और खरीदने के लिए उत्सुक है। ATAGS के अलावा DRDO भी धनुष तोपखाने बंदूक बना रहा है। भारत ने USA से 750 बिलियन अमरीकी डॉलर के लिए 155 मिलीमीटर वाली 145 BAEM 777 बंदूकें का आदेश भी रखा है। ऑल इलेक्ट्रिक ATAGS में 25 लीटर का एक चैम्बर आकार होता है, जो तुलनीय मेहनत के बंदूक की तुलना में अधिक दूरी पर गोले को फायर करने में मदद करता है। यह 15 राउंड में 3 राउंड पक सकता है, इससे पहले कि वे आश्रय ढूंढने से पहले दुश्मन को लक्षित कर सकें। हालांकि अन्य बंदूकें की तुलना में भारी, DRDO ATAGS अधिक गति से स्थानांतरित किया जा सकता है और बहुत उन्नत संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। अनुमान के मुताबिक प्रत्येक बंदूक की लागत लगभग 15 करोड़ रुपये है। सेना के 2000 से कम ज्यादा चीजों की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षा अगले कुछ दिनों में अनिर्दिष्ट अवधि के लिए आयोजित की जा सकती है।